बेटा मैं वो महान टोज सेज हूँ जो कभी किसी लड़की के जाल में नहीं फंसता, उल्टा मैं लड़कियों को अपने जाल में फंसाता हूँ। आई बात समझ में? ये लटको झटको नैन मटक्को में मैं उलझने वाला नहीं हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है? इस खेल का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ और कोई मुझे इसमें हरा नहीं पाया क्योंकि मैं हूँ जिराया। बकवास बंद कीजिए, उस लड़की ने आपकी तरफ देख क्या लिया, आप तो उसके पीछे लट्टू ही हो गए। आपको जाल में फंसाना कितना आसान है छिछोरे बाबा। आप मजाक कर रहे हैं, ये लोग कुछ भी सोचे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इन्हें रोकना है। जाइए रोकिए छिछोरे बाबा। खोचू, अच्छा खासा इंट्रो तूने बर्बाद कर दिया। गजब बेइज्जती है। अगर इस पपलू ने वो वाहियात सूट पहना तो मैं इसे बीच रास्ते में ही छोड़ कर निकल जाऊंगा। इसे पहनने की सोचना अभी मत, तुमने कभी उसे गौर से देखा है? हा? वो गांव का सबसे बड़ा जोकर है। जरा रुको, बेइज्जती करवाने मैं भी आ रही हूँ। उनकी एज कितनी होगी? जितनी मेरी है उतनी। बुढ़िया होगी। पैसे की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये लेडी सुना दे, जिसकी खोज में हम लगे हुए हैं उसने पैसे की लालच में खुद को बर्बाद कर दिया। दूसरों के बारे में बोल तो ऐसे रहे जैसे खुद बड़े दूध के धुले हैं। लड़कियों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। अरे बबलू, तुम आ गए। हो गया तुम्हारा सैर सपाटा खत्म। तो वहाँ बाजार में मुझे टोपी पहनाई और यहाँ मेरे पैसों से मजे कर रहे हो? मुझे परहेज वरेज की पट्टी पढ़ा के खुद यहाँ मस्ती करने चले आए छिछोरे बाबा। तो अब बताइए, हूँ ना मैं एक जीनियस? वो तो नहीं पता। उसका पैसा लगेगा। मैं आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला। आपने मेरे बटुए की जो हालत की थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक तो मेरे सारे पैसे खा गए, ऊपर से बेशर्मों की तरह और पैसे मांग रहे हो।